को भी दर्शन कर लो आप महादेव को 11 तारीख को। और मंदिर के सामने मैं खड़ा हूँ और अभी क्या ऐसा सिस्टम हुआ कि अभी बहुत ज्यादा बारिश आ गई है और लोग है ना कम्मा गनी कैसे हो हाउ आर यू कैसे हो हर हर महादेव। तो दोस्तों नमस्कार, अभी फिलहाल मैं हूँ केदारनाथ में। जैसा कि आपको पता है पिछले आपने 2-3 वीडियो देखे, तो आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ आज तारीख है 11 मई 2024 और आज मैं केदारनाथ में सुबह सुबह आ गया हूँ 9 बजे और यहाँ पे आपको बताता हूँ यहाँ का मौसम कैसा है। तो भाई सबसे पहले आप देखिए महादेव को दर्शन कीजिए, मैं पीछे खड़ा हूँ मंदिर के और यहाँ का मौसम है जो अभी सुबह सुबह बहुत ज़्यादा बादल आ गए थे और अभी बिल्कुल ही क्लियर हो चुका है, धूप निकल चुकी है। तो मैं भी थोड़ा टी शर्ट में बैठा हूँ और इतनी ज़्यादा श्रद्धालु भी आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा श्रद्धालु भी आ रहे हैं, दर्शन हो रहे हैं। जो हड़ताल थी ना भाई वो कल थी 10 तारीख को, यात्री बहुत परेशान हुए, हमने वो भी नहीं किया, यात्री भी बहुत परेशान हुए और अभी यात्री ना बहुत ज़्यादा परेशान हुए। और अभी मैं आपको बता दूं मैं केदारनाथ मंदिर में हूं, तो यात्री भी आ रहे हैं, दर्शन भी हो रहे हैं और होटलें भी खुली है, खाना भी मिल जाएगा। तो जैसे जैसे क्या क्या कुछ अपडेट होती है मैं आपको बताता हूं। भाई हमें मिले एक इटली के फ्रेंड, बहुत अच्छा लग रहा है और अभी हमें बात की, इसका फुल वीडियो आपको फेसबुक पे मिलेगा। अरे महादेव महादेव के भक्त है, कैसे हो हाउ आर यू कैसे हो हर हर महादेव हर हर महादेव। वीडियो लाइक वीडियो लाइक वीडियो शेयर लाइक माय फ्रेंड एसपी शेयरिंग आई एम गोना थ्रो हिम इन द रिवर। ओके भाई मजा आ गया, थैंक यू। तो दोस्तों जैसा आपने देखा था कि पहले यहाँ पे मेरे पीछे बहुत लंबी लाइन होती थी दर्शन की, लेकिन अभी लाइन नहीं है तो हमने सोचा दर्शन कर लेते हैं बाबा केदारनाथ के और उसके बाद में दूसरा काम करेंगे, क्योंकि कभी भी हमारा जाना हो सकता है। अभी 2 दिन हो गए हैं तो कभी भी हम नीचे जा सकते हैं। ये देखिए भाई बिल्कुल ही लाइन नहीं है, तो करवाते हैं आपको भी दर्शन और हम भी करते हैं। जय बरे। देखिए पीछे से मैं आपको बता दूँ पूरा खाली है और अभी दर्शन लाइन में लगे, कितनी देर में दर्शन होते हैं आपको बताते हैं। अभी 1:15 हुए हैं, 1:30 बजे, देखते हैं कितनी देर में हो पाते हैं। मैं लगभग 25-30 मिनट हो गए हैं और यहाँ पे देखिए आप बोल रहे हैं ना कि जो दर्शन टोकन चेक होते हैं नहीं होते हैं, ये देखिए यहाँ पे हर चीज़ चेक होती है, दर्शन टोकन चेक होते हैं, यात्रा रजिस्ट्रेशन, ये देखिए ये मेरा रजिस्ट्रेशन चेक होता है, सब कुछ चेक होता है यहाँ पे। ऐसी बात नहीं कि भाई आप बिना रजिस्ट्रेशन के दर्शन कर पाएंगे, चेक होता है भाई यहाँ पे। फाइनली दोस्तों अभी आधा घंटा लाइन में लगने के बाद, मेरे पीछे देख लीजिए इतनी बड़ी लाइन है, लाइन में लगने के बाद मंदिर के पास आ गए। ये देखिए ये मंदिर है और यहाँ पे ये लाइन यहाँ से घूमती हुई, अब मेरे को लगता है आधा घंटा लगभग और लग जाएगा। तो देखते हैं क्या कुछ कब महादेव के दर्शन होते हैं। हम चिटिंग से नहीं है, बिल्कुल ही अपनी लाइन में लग के आए हैं। तो दोस्तों जैसा मैं आपको बता दूं कि पहले दर्शन होता था महादेव के मंदिर में, वो देखिए मंदिर है, उस वहाँ से सीधी लाइन लगती थी। अब की बार इस प्रॉब्लम में से हम आए, जैसे आपको बताया था आधा घंटा लगा, अब ये जग जग है, यहाँ से यहाँ वही लाइन वापस यहाँ आएगी, फिर ये लाइन वापस वहाँ जाएगी, फिर वहाँ जाके वहाँ, फिर वहाँ के जाके फिर टीन शेड के नीचे होके फिर उधर ओम बाबा के दर्शन होंगे। तो ऐसी है कुछ यहाँ पे दर्शन करने की जो व्यवस्था बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई गई है। हम भी भाई लाइन में लग गए दर्शन करने के लिए, लाइन में लगे हैं, पता नहीं कब दर्शन होंगे। अब तो मान लो मेन द्वार पे आ गए तो हो ही जाएंगे मेरे हिसाब से। तो दोस्तों अभी हम मंदिर के आगे आ चुके हैं, देखिए बिल्कुल ही लाइन हमारी मंदिर के आगे है और देखिए महादेव को दर्शन कीजिए आप आज 11 तारीख को। भीड़ थोड़ी कम ही थी, हमें बहुत कम टाइम लगा क्योंकि देखिए बहुत प्यारा नज़ारा है और भाई
हर महादेव। हम वहाँ से आए थे, टाइम में लग के लगभग हमें घंटा हो गया है और एक घंटे में हमें दर्शन हो ही गए आके फाइनली महादेव के। तो भाई मिलते हैं आपको दर्शन करके, क्योंकि अंदर अलाउड है नहीं, देखते हैं क्या होता है। फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं बाबा के मंदिर के आगे और देखिए खूबसूरत नज़ारा। और ऐसे हैं हम मंदिर के पास में और नंदी के दर्शन कीजिए। ये यहाँ पे खड़े हैं नंदी, जो नंदी विराजमान है, और ये है बाबा का भव्य खूबसूरत मंदिर। भाई क्या ही खूबसूरत मंदिर है, क्या ही फूलों से सजाया हुआ है। और आपको भी दर्शन कर लो आप महादेव को 11 तारीख को, और अंदर है ना जो प्रोटोकॉल अभी अलाउड नहीं। तो भाई ये दर्शन करके आगे, जैसे ही उस गेट से मैं निकला तो मैंने कैमरा चालू कर लिया, और कैमरा चालू करते ही भाई वहाँ पे मुझे पता नहीं था, और ये 250 रुपये का चालान है, ये देखिए अभी कटवा गया है मैं। फोटोग्राफी वहाँ पे अलाउड नहीं है, मैंने बताया था। मैंने सोचा गेट के बाहर तो कर ही सकते हैं, लेकिन वहाँ सीढ़ियों तक उस बैरिकेड तक नहीं कर सकते। तो भाई दर्शन कर लिए फाइनली, कोई नहीं, चालान कट गया तो कट गया, 250 रुपये का चालान था। और बहुत ही अच्छा यहाँ पे दर्शन हो गए हमें, और बरसात भी आने लगी है, अलग ही लेवल की एनर्जी हमें मिल गई। मतलब क्या ही बताएं, दर्शन हो गए अच्छे से, अच्छा भोग आ गया, और बहुत सारे लोग दर्शन के लिए दर्शन करके बाहर आ गए। बरसात आ गई है तो सभी अपने अपने जो रूम है, टेंट है, उनमें जाएंगे। और ये पीछे है तो भीमशिला, और उसके पीछे है आदि शंकराचार्य का जो मूर्ति है, और ये बाबा का मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत मंदिर। मंदिर का नज़ारा देखिए आप, कितना ही खूबसूरत। बरसात आ गई है भाई, ये हमारे जतिन भाई है, हर हर महादेव। तो दोस्तों दर्शन हो गए हमारे, और अभी वीडियो को यहीं एंड करते हैं क्योंकि बरसात आ गई है। तो भाई अभी जो है मंदिर के सामने मैं खड़ा हूँ, और अभी क्या ऐसा सिस्टम हुआ कि अभी बहुत ज़्यादा बारिश आ गई है, और लोग है ना जो बारिश में रेनकोट वगैरह ओढ़ के मतलब दर्शन कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बारिश आ गई है, लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। और हमने दर्शन कर लिए, पर्ची भी कटवा ली, और उसके बाद बारिश आ गई तो हम कहीं पर रुक गए थे। और ये कुछ सीन है बाबा केदारनाथ मंदिर का ऐसा। ये है भाई ऐसा कुछ मंदिर का हाल। और अभी मैं ना कुछ भी नहीं पहन के आया, तो इस हिसाब से भाई बहुत ही बुरा हाल हो रहा है। तो देखते हैं क्या कुछ अपडेट होता है, मैं चलता हूँ मेरे आश्रम की तरफ, और फिर मिलते हैं आपसे। बाय बाय।